Hello, good morning students. In today's lecture, we will start with the second chapter of geography, that is, latitudes and longitudes of our globe. I want all of you to open your textbooks. So, let's start. In the previous chapter, you have read that a planet Earth is not a sphere, it is slightly flattened at the north and the south poles. एंड बर्ज एंड द मिडल यानी कि नॉर्थ और साउथ में वो फ्लैट है पोर्शन है उसका वो बर्ज यानि वो थोड़ा मोटा सा है यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुल इन योर क्लास रूम टू गेट एन आइडिया ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ वॉट इज अ ग्लोब तो आपको अगर ये समझना है कि ग्लोब क्या है तो ग्लो एक ग्लोब एक अर्थ का मॉडल है क्या है मॉडल एग्जैक्ट मॉडल है कैसा है एग्जैक्ट मॉडल वो डिफरेंट डिफरेंट साइज और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे कि छोटे होते हैं कोई बड़े होते हैं कोई इतने छोटे होते हैं कि आप पॉकेट में लेके भी घूम सकते हो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े हों जो कुछ ग्लोब्स ऐसे भी होते हैं जो बलून की तरह हवा डाल के आप बड़ा कर सकते हो और अगर कहीं और ट्रैवल करके ले जाना है तो उसे हवा निकाल के पॉकेट में भी डाल के घूम के ले जा सकते हैं। हो ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब एक ही जगह पे कभी भी फिक्स रहेगा नहीं सी दो द पिक्चर फिगर टू पॉइंट वन इज़ गिवन

क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं कंट्रीज कॉन्टिनेंट ओशंस अपनी राइट right साइज में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ अस्फीयर लाइक द अर्थ तो आप अर्थ के ग्लोब के ऊपर अगर आप देखना चाहें तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिलेगा नहीं वी नीड सर्टन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट लोकेशन ऑफ प्लेसेज राइट अगर हमें जानना है कि इंडिया ग्लोब के किस पार्ट में लोकेटेड अगर आपने कभी इंडिया को देखा ही नहीं इंडिया का मैप अगर देखा ही नहीं तो आप डायरेक्टली कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एग्जैक्टली इंडिया कहाँ लोकेटेड है ग्लोब पे तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स या लाइंस होनी चाहिए राइट वे यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सेस सी दोनों नॉर्थ और साउथ में दो आप नीडल्स देख रहे हो सी दिस वन ये और ये ये उसकी एक्सेस है यानी कि अर्थ इसके आसपास ऐसे ऐसे से गोल गोल घूम सकता है सो दिस आर कॉल्ड एक्सेस टू पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब थ्रू विच नीडल पासिस आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल So the globe can be moved around this needle from west to east just as the earth moves. आप उसे ऐसे ही घुमा सकते हो जैसे earth अपने आप revolve earth जैसे rotate होता है But remember there is a major difference. The real earth has no such needle. अब ये सिर्फ एक model है इसलिए हमने इसको घुमाने के लिए needle रखी है बाकी real earth पर ऐसा कुछ भी होता नहीं है But then also it moves on its equal लाइन ना द ग्लोब इज डिवाइडेड इंटू टू डिफरेंट हाफ्स टू इक्वल हाफ एंड द लाइन विच डि एंड इमेजनरी लाइन विच डि अर्थ इन टू टू इक्वल पार्ट इज सेट टू बी इक्वेटर क्या कहा जाता है उसे इक्वेटर द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमस्फियर एंड द सदर्न हाफ इज नोन एज द सदर्न हेमसफियर इसे कौन सा हेमसफियर कहेंगे हम northern hemisphere see it exactly divides somewhere over here it divides it into two parts so this is the equator the upper portion is said to be northern hemisphere and this is southern hemisphere they are both equal halves therefore the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth सो so, इक्वेटर uh, क्या है एक इमेजिनरी लाइन है जो सर्कुलर पाथ में डिवाइ रोड सर्कुलर पॉइंट में है जिसको हम प्लेसेस को लोकेट करने के लिए भी रिफर कर सकते हैं। सी द डॉटेड लाइन गिवन इज द इक्वेटर नाउ ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या कहते हैं हम उसे पैरेलल ऑफ़ लैटिट्यूड्स लेटीट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज कैसे मेजर करते हैं डिग्रीज देखो फिगर टू पॉइंट टू आपको दिखाया गया है कि लैटिट्यूड्स कौन से हैं जो इक्वेटर के पैरेलल में जो अब नॉर्थ पो तक फैले हुई लाइंस है उसे हम कहते हैं लैटिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को किस में मेजर किया जाता है तो डिग्रीज में इक्वेटर रिप्रेजेंट ज़ीरो डिग्री कितनी जीड़ी? कौन से लैटीट्यूड पर है इक्वेटर ऑन ज़ीरो डिग्री सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द ऑफ़ द पोल इज वन फोर्थ ऑफ अ सर्कल अराउंड द अर्थ तो इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है जीरो डिग्री उसका डिस्टेंस इक्वेटर से लेके पोल तक का कितना है तो वन फोर्थ ऑफ सर्कल अराउंड द अर्थ अर्थ की जो सर्कल है उसका वन फोर्थ डिस्टेंस है इक्वेटर से लेके पोल तक दस 90 डिग्री एंड नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल तो जिससे ये कन्फर्म होता है कि जो नॉर्थ पोल है वो नाइन्टी डिग्री नॉर्थ पे है और जो सदर्न पोल है और जो सदर्न पोल है ये वाला तो वो नाइन्टी डिग्री साउथ में है as such, all parallels north of the equator are called north latitudes, and the equator the lines which are parallel in the south are said to be south latitudes. equator, ke north side, ki jo parallel lines, hai, hum north latitudes, south, south latitudes. the value of each latitude is, therefore, followed by either of the word north or south. यानी कि अगर आपको कोई भी लैटिट्यूड के बारे में बोल रहा है तो अगर वो उसका पोर्शन नॉर्थ में है तो आप क्या कहोगे जो भी लैटिट्यूड पे है वो लैटिट्यूड और उसके बाद नॉर्थ बोलोगे और अगर साउथ में है तो साउथ बोलोगे फॉर एग्जांपल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो इज इन ब्राजील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल्स ऑफ ट्वेंटी डिग्री लैटिट्यूड ट्वेंटी डिग्री लैटिट्यूड पर दो है महाराष्ट्र भी है जो इंडिया में है और हॉर्ज हॉर्जोनेट जो ब्राजील में है बट द फार्मर इज़ ट्वेंटी डिग्री बट द फार्मर इज़ ट्वेंटी डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज ट्वेंटी डिग्री साउथ ऑफ़ इट तो दोनों ट्वेंटी डिग्री लेटिट्यूड्स पे ही है लेकिन एक नॉर्थ पे है दूसरा साउथ में वी सी इन फिगर टू पॉइंट टू दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरल सी ओवर वेर देखो जैसे जैसे ऊपर से जा रहे हैं तो सर्कल छोटे हो रहे जा रहे है दिख रहा है इम्पोर्टेंट पैरल ऑफ लैटिट्यूड्स अच्छा अगर लैटिट्यूड्स में बहुत सारी ऐसी हमने लैटिट्यूड्स देखे कि वो नाइंटीज एट द नॉर्थ पोल जीरो इज द इक्वेटर उसके बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन आर्टिक सर्कल एंड एंटार्टिक सर्कल कितने हैं आर्टिक सर्कल उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ़ कैप्रिकॉन एंटार्टिक सर्कल तो हम देखेंगे कि कहाँ पे है आर्टिक सर्कल And Antarctic circle. Arctic Circle is 66.5 degree north. Pe, or Antarctic B 66.5. Uh, sorry, 66.5. Which latitude? Southern latitude. Now, if we talk about Tropic of Cancer, it is in 23 degree north. Tropic of Capric Capricorn is at 23 degree south. And equator is at. So, I want you to remember this degrees and latitudes where these four imaginary lines are located. Yadraheka, equator at zero degree, Tropic of Cancer at 23 degree north, Tropic of Capricorn at 23 degree south, Arctic Circle at 66 degree north, Antarctic Circle at 66 degree south. Now, do you, according because we know the, about that the sun the, the place where the ray, uh, there is majority of sun rays falling pa that part is the hottest so the area where the equator is there and the area near the equator receives the highest sunlight and is the hottest place so that is said to be torrid zone so again this zone this uh, globe is divided into Different segments frizzed Zone, not Temperate Zone, Torrid Zone, South Temperate Zone, and again frizzed zone. So heat zones of the earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all, all latitudes in between Tropic of Cancer and Capricorn. So Tropic of Cancer and Capricorn a day usually is hot. This area receives the maximum heat. So it is said to be. टेट जोन देखो ये इक्वेटर के एकदम नजदीक है सी इन दिस पिक्चर शो सी इक्वेटर के नज़दीक का जो पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक दैट एरिया इज टॉयरेट जोन देन कम्स टेम्परेट जोन मिड डेज एन नेवर शाइन ओवर हेड ऑन एन एल्टीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and tropic of Cancer Capricorn. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole. जैसे जैसे pole की तरफ जा रहे हैं उसकी degrees कम हो रही है तो rays का भी directly इतनी ज़्यादा फैलती है इतनी ज़्यादा directly rays मिलेगी नहीं so that zone is said to be temperate zone. There is frigid zone. The place where there is The areas lying in the Arctic Circle and, and the North Pole in the North and Hemisphere, Northern Hemisphere and the Arctic Circle in the South Pole of the Southern Hemisphere are very cold. It is because your sun does not rise but therefore its rays are always landing and provide less heat. Therefore this is called as frizzed zone. Frizzed yani the place where things are cool. So what is gaya frizzed zone? That is very cold. नाव हमने ये देखा कि जो पैरेल लाइन्स जो स्लीपिंग लाइन जो पैरल थी इक्वेटर के पास दोज वर लैटिट्यूड्स नाव फ्यू आर लॉन्गीट्यूड्स टू फिक्स द पोजिशन ऑफ अ प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर दैन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस राइट क्यों क्योंकि सिर्फ हम ये लैटिट्यूड पर नहीं बता सकते कि ट्वेंटी uh, थ्री डिग्री पे कौन सी कौन सी कंट्रीज है क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे पूरी यहाँ से यहाँ तक काफ़ी सारी प्लेसेस सिचुएटेड होगी देखो यहाँ से यहाँ तक तो हम किसी को ऐसे तो नहीं बता सकते कि भाई हमारा ट्वेंटी थ्री डिग्री साउथ पे है या ट्वेंटी थ्री डिग्री नॉर्थ पे है राइट right. सो so, एक एक्यूरेट पॉइंट ढूंढने के लिए लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों इंपॉर्टेंट है तो टू फाइंड अ फिक्स प्लेस और अ फिक्स पोजिशन इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लैटिट्यूड्स फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आईलैंड एंड मॉरिशियस आईलैंड इंडियन ओशन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसली वी मस्ट फाइन अब देखो दोनों एग्जाम्पल सही है टोंगा आइलैंड जो पैसिफिक ओशन में है और मॉरिशियस आईलैंड जो इंडिया में है वो सब एक ही लैटिट्यूड पर है ट्वेंटी थ्री डिग्री साउथ नॉर्थ होता है तो भी हमें पता लगता है कि भाई दो अलग अलग लैटिट्यूड्स पे हैं पर ये तो एक ही है तो उसके बारे में एक्यूरेटली जानना हो तो उसके फिक्स पॉइंट बताने चाहिए तो नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेज आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल दिस लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड टू बी मैरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या है वो पैरेलल ऑफ़ लैटिट्यूड्स थे ये मैरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है सिंपली अगर आपको याद रखना है कि कौन से लैटिट्यूड है और कौन से लॉन्गिट्यूड है तो आप क्या करोगे याद रखने के लिए जो स्लीपिंग लाइंस है वो है लैटिट्यूड्स और जो स्टैंडिंग लाइन है वो है लॉन्गिट्यूड सी द पिक्चर इज गिवन अब जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो हमने देख लिया कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है अब जैसे इक्वेटर एक सेंटर था और वहाँ से साउथर्न साइड जा रहे हो तो वो साउथ लैटिट्यूड्स से और नॉर्थ साइड जा रहे हो तो नॉर्थन लैटिट्यूड्स लैटिट्यूड्स से वैसे ही अगर आप ईस्ट साइड जा रहे हो तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स और वेस्ट साइड जा रहे हो तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हैं दीज लाइन ऑफ रेफरेंस अकॉर्ड लैटिट्यूड सॉरी मेरीडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड द डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स

see the over here you can see more of difference whereas it when it goes near the pole, the distance subsequently gets decreased. So unlike parallels of latitudes all meridians are equal length, thus it was difficult to number the meridians. hence all the countries decided that the count should begin from the meridian which pass through the greenwich where the british royal observatory is located this prime meridian is said to be prime meridian a prime meridian decide again was located zero pelo and the part towards its east is east longitudes and the part towards its west is west longitude it is however interesting to know that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line

the person to find a place for example dubri in assam is situated on 26 degree north latitude and 90 degree east longitude find out the point where these two lines cut each other that point will be located in dubri to understand this clearly draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper label vertical row with the number and horizontal row with the rows with the letters Draw some small circles randomly on points where these horizontals and vertical lines intersect each other. Name this small circle as ABCDE and let the vertical line present east longitude and vertical line present north latitude. Now you will find see a circle A is located on B degree N latitude and 1 degree E longi la la longitude, yes. सो so, क्या देखा हमने यहाँ पे देखो ये पिक्चर में क्या देखने मिल रहा है हमें कि अगर ए वाला जो पॉइंट है उसकी हमें आइडेंटिफिकेशन देनी है तो हम कैसे देंगे द स्टैंडिंग वन आदि लॉन्गिट्यूड एंड द स्लीपिंग वन आदि लैटिट्यूड सो आप कैसे बोलोगे बी डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड वन डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड Find द लोकेशन ऑफ द अदर सर्कल सिमिलरली आप ये दूसरे सर्कल्स को भी ट्राई करोगे तो इसी तरीके से हम हमारे इंडिया को उस मैप पे लोकेट करते हैं आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू लुक एट द मैप ओवर यर सी ऑन डिफरेंट a मैप इज़ been गिवेन विच शोज़ द टाइम जोन ऑफ द वर्ल्ड नाउ हमने आगे देखा था कि लॉन्गिट्यूड दो मिनट्स और सेकेंड्स के बेसिस पे डिफर कर रही है तो मिनट्स एंड सेकेंड्स अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया की स्पेशली हम बात करें तो उसके ईस्ट पार्ट और वेस्ट पार्ट में टू आवर्स का डिफरेंस है कितना टू आवर्स का डिफरेंस इसलिए हम ये सोचते हैं कि जब इंडिया में रात है तो अमेरिका में दिन क्यों है वो हमारे से हमें पता है कि हर एक कंट्री के बीच में सिक्स आवर्स फाइव आवर्स वन आवर ऐसा डिफरेंस रहता है सो वी विल सी द रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. Time is the best way identify. So by the movement of earth, moon and planets. The sun regularly rises and sets every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world. लोकल टाइम कैन बी रिकनॉक्ड बाय द शेडो कास्ट ऑफ द सन विच इज शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट ना अगर हम शेडो की बात करें तो मिड नाइट अगर सॉरी uh, आफ्टरनून uh, है मिड आफ्टरनून तो क्या है द शेडो इज़ द शॉर्टेस्ट वन एंड इनफैक्ट आपको शेडो दिखे भी नहीं बट एज इट बिकम्स अर्लीयर और एज इट बिकम्स नाइट तो कैसा होगा उसका शेडो लॉन्गर होता जाएगा

As the Earth rotates from east to west, those places east of Greenwich will be ahead, and the Greenwich time and those of the west will be behind. So Greenwich के east की तरफ जो है वो आगे हो गए दो आर मतलब per minute या per hours और जो portion west की तरफ located है वो पीछे होंगे. The rate of difference can be calculated as follows. The Earth rotates at three degree in about twenty four hours, right? ये हमें पता है कि वो थर्टी डिग्री कितनी देर में घूम लेता है ट्वेंटी फोर आवर्स में which means fifty degree and one hour or one one degree in four minutes. यानी फिफ्टीन डिग्री वो कितने टाइम में घूम रहा है एक घंटे में या फिर एक डिग्री वो घूम रहा है चार मिनट में Thus, when it is 12 noon at greenwich at the time of 15 degree east of greenwich will be 15 by 4 that is into 4 that is 60 minutes one hour ahead of greenwich time which means 1 pm but uh, at west 15 degree west the greenwich time will be 11 am similarly at 1 degree it will be midnight when the when it is 12 noon at greenwich so this is the way we calculate our timings according to our latitudes, sorry, long, longitudes. So why, if it is Pradesh, is six o'clock. in Surat, it? is six o'clock. So why there is a need to decide a standard time? The local time of a place which are on different meridians are bound to differ. ठीक है अलग अलग तरीके से वो डिफ़र करता है फॉर एग्ज़ाम्पल इट विल बी सेवरल इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्ग इट ऑब्वियसली किसके सात बजे सूरत अगर सूरत से लेके वो बोटा तक ट्रेन आ रही है तो कितने बजे निकल रही है और कहाँ पहुँच रही है ये आपको कैसे पता चलेगा तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना इंपॉर्टेंट था इन इंडिया जस्टेस इकिन In india, in india the longitude of 82 degree east 82 degree 30 east is treated as the standard meridian in india the standard meridian is decided 82 degree east the local time of meridian is taken out from the standard time of the whole country it is known as इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अब इंडिया का टाइम किससे डिसाइड किया गया है तो सेंट्रल मैरिडियन तो इंडिया का सेंट्रल मैरिडियन कौन से लॉन्गिट्यूड पे है एटी टू डिग्री ईस्ट तो वहाँ पे जितने बजे होंगे पूरी कंट्री में उस उतने उतने ही बजे होंगे एंड दैट इज सेट टू बी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल ही डज इज फ्रेंड आ दैट वी not be able to sleep tonight a day and night cricket match between india and england had started at 2 pm in london this means that the match would begin at 7:30 pm in india and finish f well into the night do you know what is the time difference between india and england i want all of you students to find the time difference between india and england i also want the reason कि क्यों इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टाइम है आप इतना करोगे बच्चे लोग होमवर्क में यस इंडिया लोकेटेड ईस्ट इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट एटी टू डिग्री थर्टी ईस्ट इज फाइव आवर्स एंड थर्टी मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीन में इंडियन टाइम सो इट्स विल बी थर्टी पी एम सेवन थर्टी पी एम इन इंडिया वेन इट इज टू पी एम नोन इन लंडन सम कंट्रीज़ है ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सचेंज एंड सो देव एडोप्टिड सो दे हैव अडोप्टिड मोर देन वन स्टैंडर्ड मेरीडियन टाइम फॉर एग्जाम्पल अब कोई कोई कंट्री बहुत बड़ी है तो वहाँ पर उन्होंने एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मरीडियन टाइम डिसाइड किया है जैसे कि रशिया तो देर आर मैनी देर आर एज मैनी एज एलेवन स्टैंडर्ड टाइम कितने हैं सॉरी येस Eleven meridian times, the Earth has been divided into twenty-four time zones of north are uh, of one hour. Each zone thus covers fifteen degree of longitude. Now, every fifteen degree, how difference is there? Twenty-four times the zones of our one hour each. I hope you all have understood with the chapter. And in the next lecture, we will discuss with the. Question answers. Thank you students. Have a nice day.